डिलीशियस भोजन में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं एक करी की इंस्टेंट रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी होती है, इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। आपके पास अगर टाइम कम हो तो आप इस तरह से एक करी बना सकती हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक करी बनाने के लिए मैंने 6 अंडे लिए हैं, इसे बॉईल कर लिया है और इसके छिलके उतार लिए हैं। अब मैं इसमें कट लगाऊंगी, किसी नाइफ की सहायता से इस तरह से इसमें कट लगा लेना है, जिससे ग्रेवी अच्छी तरह से अंदर तक जा सके। अब अंडों को फ्राई करेंगे, इसके लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है और अंडे डालकर उसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अंडों को पलट पलट कर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, इससे अंडे और सब्जी का टेस्ट और कलर बहुत ही अच्छा हो जाता है। जब अंडे अच्छी तरह से चारों ओर से फ्राई हो जाए तो इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और बचे हुए तेल में प्याज का पेस्ट डालकर उसे अच्छी तरह से भूनेंगे। इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट भी ऐड करेंगे, साथ ही थोड़ी सी हल्दी पाउडर और नमक इसमें ऐड करेंगे। नमक ऐड करने से मसाले अच्छी तरह से भुन जाएंगे। अब मैं इसमें एक करी मसाला ऐड करूंगी। आपके पास टाइम कम है तो आप इस तरह से मसाले का यूज करके एक करी बना सकते हैं। इसमें मैंने कुछ मटर के दाने भी डाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, मसाले अभी भून रहे हैं, अभी इसे 2 मिनट तक और भूनेंगे। जब मसाले तेल छोड़ने लगे तो मैं इसमें पानी ऐड करूंगी, अपनी ज़रूरत के अनुसार, जैसा आप ग्रेवी चाहते हैं वैसा पानी डालेंगे और इसमें उबाल आने देंगे। जब इसमें अच्छी तरह से उबाल आने लगे तो अंडे को इसमें डाल लेंगे और 5 मिनट तक उससे भी कुक होने देंगे, जिससे अंडों के बीच में ग्रेवी अच्छी तरह से जा सके। अगर आप गाढ़ी ग्रेवी चाहते हैं तो इसे थोड़ी देर और कुक कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी सब्जी तैयार हो चुकी है, मटर भी कुक हो चुके हैं। चलिए अब इसे किसी प्लेट में सर्व कर लेते हैं। देखिए सब्जी का कितना अच्छा कलर आया है। इसे आप रोटी पराठे के साथ या चावल के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है और तुरंत ही बनकर तैयार हो जाती है। फ्रेंड्स, यदि रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट्स कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।